अंदर टाइप करने के साथ साथ पिक्चर्स, टेबल और चार्ट भी बना सकते हैं। हम अपने डॉक्यूमेंट को सीधे पीडीएफ के फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। पीडीएफ क्या होता है, इसे आप आगे सीखेंगे। राइटर के पेज पर हम कुछ ड्राइंग या पिक्चर्स को भी बना सकते हैं अथवा इंसर्ट कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि ओपन ऑफिस, राइटर और एमएस वर्ड में करते हैं बनाना। इसके राइट तरीके से फाइल को क्लिक कर एक बॉक्स ओपन होगा। ये सारा हुआ पड़ा टच पैड या माउस के लेफ्ट बटन। आप सबको राइटर की फाइल को ओपन करने के तरीके कैसे बताए हैं? शॉर्टकट कमांड से बताया होगा आप सबको या शॉर्टकट कमांड से उससे भी है उसमें जाके भी स्टार्ट पे जाके बताया जाना एक बार स्टार्ट पे देख लो आप सब। एक बॉक्स ओपन होगा, इसमें आपको ऑल प्रोग्राम लिखे हुए ऑप्शन पर लेफ्ट बटन से क्लिक करें। अब यहाँ पर ओपन ऑफिस लिखे हुए ऑप्शन को टचपैड या माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक करें और फिर यहाँ पर ओपन ऑफिस राइटर पर लेफ्ट बटन से क्लिक करें जिससे राइटर की फाइल ओपन हो जाएगी। क्या आप सभी ने राइटर की फाइल को ओपन कर लिया है या नहीं? अगर नहीं तो दोबारा से वीडियो को देखकर दोबारा से आप राइटर की फाइल को ओपन करना सीखें। आइए अब राइटर के पेज को देखें और उसके कुछ महत्वपूर्ण भाग के बारे में जानें। चित्र में आप उस फाइल के नाम नाम के साइड करेंगे सीखा था जिसके उपयोग कर सकते हैं। कीबोर्ड के जाने के लिए की को टाइप करें, टाइप का कंप्यूटर शटडाउन टुडे टू अलर्ट पूछ सकते हैं। सामने ब्लू कलर के बॉक्स के आपकी मदद से तो एक बार दब यहाँ पर लेकर आए तो आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, गुड से करें और क्या बता सकते हैं लिखा था। आइए पिछली कक्षा का रिवीजन कर लेते हैं। क्या बता सकते हैं राइटर में न्यू पेज या न्यू ऑप्शन का उपयोग ना सीखें? ओपन ऑफिस के बहुत से करते हैं या भी नेपल में बहुत। क्या आप सभी ने राइटर की फाइल को ओपन कर लिया है या नहीं? अगर नहीं तो दोबारा से आप राइटर की फाइल को ओपन करना सीखें। आज की कक्षा में आप मेनू बार के बारे में सीखेंगे। राइटर की फाइल में बहुत से मेनूज हैं जैसे फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट और भी, लेकिन इस कक्षा में हम सिर्फ फाइल मेनू के कुछ सब मेनूज जैसे कि न्यू, ओपन, रिसेंट डॉक्यूमेंट, सेव, सेव एज, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ के बारे में सीखेंगे और उनका कैसे उपयोग करते हैं यह भी सीखेंगे। सामने दिए गए पैराग्राफ को टाइप करें और दिक्कत तो नहीं है इसमें फाइल कौन सा है? न्यू, ओपन, रिसेंट, सेव, एक्सपोर्ट एज पीडीएफ। आप राइटर की फाइल को ओपन कर सकते हैं जिससे आगे के बटन पर क्लिक करेंगे। ये भी हो गया था शायद कमांड। तो आपके राइटर की फाइल शॉर्टकट कमांड से तो हो गया था ना? शॉर्टकट कमांड से विंडो प्लस आर प्लस एस राइटर टाइप करना था। इस पूरे वीडियो को प्ले कर देना। बताया था आपने तो कहा था किस कितने जल्दी जल्दी भी किया था। राइटर की फाइल को बाद में बताएंगे प्रॉपर्टी। क्या आप राइटर की फाइल को ओपन कर सकते हैं या नहीं? अगर आप फाइल को ओपन कर में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप दिखाए गए वीडियो को देखकर ओपन करें। आइए सीखें कि राइटर की फाइल को ओपन कैसे करते हैं। राइटर की फाइल को आप बहुत से तरीके से ओपन कर सकते हैं। आज आप राइटर की फाइल को शॉर्टकट कमांड से ओपन करना सीखेंगे। क्या सभी जानते हैं कि शॉर्टकट कमांड क्या होता है? शॉर्टकट कमांड एक ऐसा तरीका होता है
जिससे आप किसी भी फाइल को उसकी कमांड के द्वारा खोल सकते हैं, लेकिन आपको उसकी कमांड याद होना बेहद ज़रूरी होती है। शॉर्टकट तरीके से ओपन करने के लिए सिर्फ कमांड का प्रयोग करना होता है, इसलिए आपको राइट हैंड की एक फिंगर से विंडो के बटन को दबा के रखें और लेफ्ट हैंड की एक फिंगर से आर के बटन को दबाएं। एक बॉक्स ओपन हो जाएगा जिसे रन बॉक्स बोलते हैं। उसके बाद इस बॉक्स के अंदर केस राइटर बिना किसी जगह दिए टाइप करना है और फिर ओके के बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी राइटर की फाइल ओपन हो जाएगी। आज आप एडिट मेनू के बारे में सीखेंगे। आइए जानते हैं कि आप सभी आज की कक्षा में क्या सीखेंगे। आज आप जो सीखेंगे वह इस प्रकार से है, अंडू, रीडू, कट, कॉपी, पेस्ट, सेलेक्ट ऑल और फाइंड एंड रिप्लेस के बारे में सीखेंगे। सामने दिए गए लाइन पैराग्राफ को टाइप करें। क्या आपने लाइन या पैराग्राफ को टाइप कर लिया है? आइए अब हम एडिट के सब मेनू को सीखना शुरू करते हैं। सबसे पहले अंडू के बारे में सीखेंगे। क्या आप जानते हैं अंडू का उपयोग क्यों करते हैं? अंडू से आप उस काम को एक एक करके हटा सकते हैं जो काम आपने पेज पर किया था, जैसे कि किसी पिक्चर को, किसी वर्ड को मिटा सकते हैं। और भी अंडू का उपयोग आप दो तरीके से कर सकते हैं, शॉर्टकट कमांड और एडिट मेनू से। इसकी शॉर्टकट कमांड Ctrl+Z होती है। आइए वीडियो को देखकर अंडू करना सीखते हैं। कि अंडू का उपयोग कैसे करते हैं। जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, आपने इस पैराग्राफ को टाइप कर लिया, अब आपको अंडू करना है तो आप मेनू बार के एडिट ऑप्शन पर अपने पॉइंटर को लेकर आए और लेफ्ट बटन को क्लिक करें। उसके बाद अंडू लिखे हुए ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो देखिए सबसे लास्ट वाली लाइन आपकी डिलीट हो जाएगी, यानी कि हट जाएगी, जैसे कि आप सभी वीडियो में देख रहे होंगे। क्या होता है अंडू से? गलत टाइप हो गया, उसे रिमूव करना है। क्या होता है अंडू से? आवधि ने अपना कुछ बताए। और हमें दोबारा पीछे जाना, मतलब जो वर्ड निकल से हटा के पीछे जाना। क्या होता है अंडू से? कुछ भी आपने टाइप किया, अगर मान लो गलती से कुछ गलत हो गया, ठीक करना चाहते हैं तो आप अंडू करते हो। अंडू से होता है कि एक सर जो आपने कुछ भी काम किया उसे एक सर पीछे आ जाता है, वो एक एक करके पीछे आता है, इसलिए हम अंडू यूज करते हैं। अभी हमने यहाँ पे कुछ टाइप किया है, ठीक है, इसमें वीडियो में दिखाया है कि आपने पहले कुछ टाइप किया तो उसको आप हटा सकते हो। मान लो आपने बहुत देर पहले टाइप किया है, उसका मैं इसको दूसरे तरीके से आप बता सकते हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ लाइन लिखा है, अगर इसके ऊपर कोई फॉर्मेटिंग करोगे, ठीक है, फॉर्मेटिंग मतलब अगर इसमें कोई लाइन कलर कर दिया या फिर अंडरलाइन कर दिया, बोल्ड कर दिया, मैं चाहता हूँ कि इस फॉर्मेटिंग को हटा दूँ तो मैं अंडू करके भी हटा सकता हूँ। जैसे कि मैं इस लाइन को पहले इसका कलर चेंज करूँगा, अन्य कलर चेंज कर, लाइन का कलर चेंज हो गया अंडू से। अगर मैं अभी अंडू करूंगा तो क्या होगा? जैसे पहले जैसे था वो पहले से आ जाएगा, इस तरह पीछे आ जाएगा। दो तरीके से आप अंडू कर सकते हो, पहले बताया गया आपको Ctrl+Z, या फिर क्या करना है आपको एडिट मेनू में जाना है और यहाँ अंडू पे क्लिक करें। अभी हमने यहाँ पे साइज को, जो इसका फोन साइज को बढ़ाया था, वो वापस फिर इसको पहले से कर दिया। रीडू से क्या होगा?
जो आपने अंडू किया है उसका रिवर्स होता है, अंडू का उल्टा। अंडू से हो सकता है सर ये तो, अंडू से हो सकता है ये तो। क्या जो वापस लाना जो हमने मिटाई थी वो दोबारा ला सकते हो आप? मैं कह रहा जो अंडू होता है, जो रीडू होता है वो अंडू का रिवर्स होता है। जो आपने अंडू करके, जैसे कि हमने अंडू करके जो चीज हटाई है, नहीं सर अंडू से हम हटा भी सकते हैं, और वो चीज जो हटाई वो भी ला सकते हैं दोबारा। वो पेंट में जो आप बोल रहे हो तो अंडू ही होगा ना, दोबारा अंडू क्लिक करोगे तो जो उसके पहले ही वर्ड लिखा वो भी चला जाएगा। हां एक दोबारा से नहीं, लाइन टाइप कुछ टाइप कर, आप कह रहे हो पूरे डिलीट कर देगा, पूरे डिलीट कर दे। नहीं ये जो कह रहे हैं उसमें थोड़ा सा कुछ नहीं, नहीं ये कह रहे हैं कि जो अंडू से हमने जो चीज को हटाया है वापस अंडू करके उसको वापस ला सकते हैं। नहीं वो से जो पेंट के अंदर जो एक्सपी में कर रहे थे वो एक्सपी के अंदर था उसके अंदर। अभी सर मैं इसमें हो जाएगा वर्ड में हम हो सकता था ये तो ठीक है, अभी देखते हैं कर लो इसको। पहले से कोई फॉर्मेटिंग कर दे, मैं इसमें कोई फॉर्मेटिंग करता हूँ, मैं बोल्ड कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ। नहीं आया भाई अंडू करना, पहले से हो गया, फिर से अंडू करेंगे जो इसके ऊपर फॉर्मेटिंग है वो पहले से आएगा, वो एक से पीछे आते जाएगा। आप कह रहे हो ना कि आप अंडू से आप कि मैंने उसको बोल्ड किया है, अंडू से मैंने उसको हटा दिया, मैं दोबारा अंडू करूंगा तो दोबारा से बोल्ड नहीं होगा, वो एक स्टेप पीछे ही आ रहा है, जो आपने लास्ट तक किया था वैसे ही आएगा, सारे स्टेप के पीछे आते चले जाएंगे। अगर उसको वापस लाना है, जैसे कि आपने किसी लाइन को बोल्ड किया है अंडू करके आपने उसको हटा दिया, उसको वापस आप बोल्ड लाना चाहते हो उसके लिए आप रीडू करोगे।